एक चीज आपको यूनिक देखने को मिलेगी, जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं उनका जो ब्रेक पेडल होता है वो एक्चुअली में काफी बड़े साइज का होता है। क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लच नहीं है तो इनकी जो जगह बची है उसको यूज करने के लिए यहाँ पर लगा दिया। कंपनी को जहां पर कॉस्ट कटिंग का मौका मिलता वो करेंगे। इसका जो बेसिक यूज है वो आपको दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप एक्सीलरेटर दबा के चल रहे हैं, ये इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आप हाई स्पीड के ऊपर चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा और आपका ब्रेक जो पतला होगा तो वहां पर आपके फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट फुट से भी एकदम से सडन ब्रेकिंग कर सकते हैं, राइट फुट से भी एकदम सडन ब्रेकिंग कर सकते हैं, हल्का सा टच करने के बाद भी आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ब्रेक पैडल छोटा होता है जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर होते हैं तो यहाँ पर आपको इतना पैर लेके आना पड़ता और ये वाला अगर पैर लेके आना है तो पूरा उठा के यहाँ तक लेके आना पड़ता, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस ब्रेक पैडल को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन और फॉलो बटन जरूर दबाना।